हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। एंड इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सिलोजियम। अगर आपने 2021 का पेपर देखा है तो उसके अंदर सिलोजियम की 3 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए थे, तो सबसे पहले तो उन तीनों क्वेश्चन को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी और उसके बाद में कुछ थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस भी आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, सो दैट कि अगर जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए सिलोजियम से तो आप उसको इजीली एग्जाम के अंदर सॉल्व कर सको। ओके, तो सिलोजियम आज हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से सभी वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, देखिए बेटा, एग्जाम के अंदर काफी कम टाइम है, इसलिए अभी मैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोगों के साथ में करवा रही हूँ कि कुछ आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो जल्दी से शेयर कर देंगे सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो देखिए, स्टार्ट कर रही हूँ। पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। स्टेटमेंट फॉलोड बाय, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि क्वेश्चन इज फ्रॉम सिलोजियम और सम अदर टॉपिक। तो जब सिलोजियम पे क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आप देखो कि आपके पास में कुछ डायरेक्शन गिवन होगी और उसके बाद में जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ स्टेटमेंट और कंक्लूजन गिवन होगा। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा आपके पास में, सम, आल, नोट, इस तरह के कुछ कीवर्ड्स यूज हो रहे होंगे, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हमारा क्वेश्चन सिलोजियम के टॉपिक में से। ओके, अब देखिए डायरेक्शन यहाँ पे क्या है बेटा। ए स्टेटमेंट फॉलोड बाय कंक्लूजन 1 and 2 इन द गिवन बिलो, यू हैव टू टेक स्टेटमेंट टू बी ट्रू इवन इफ इट सीम्स टू बी एट वेरियंस फ्रॉम कॉमनली नॉन फैक्ट। आपको क्या करना है, उसको ट्रू ही कंसीडर करना है, बिल्कुल ट्रू कंसीडर करना है, ठीक है। चाहे आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि ये फॉल्स है, बट आपने क्या करना है, उसको ट्रू कंसीडर करना है। ओके, रीड द ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजंस लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट्स डिसरिगार्डिंग द कॉमनली नोन फैक्ट्स। अगर आपके कुछ नोन फैक्ट्स है तो उनको आपने कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो अब देखिए, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आता है तो उस केस में बेटा क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो स्टेटमेंट्स गिवन है उनका वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। सम मीन्स, अगर आपके पास में पॉइंट आता है सम, पहले एक बार छोटा सा थोड़ा सा समझते। वैसे तो मैंने सिलोजियम की 2 से 3 क्लासेस में लगा चुकी हूँ। एक सिंपल सिलोजियम हमने डिस्कस किया था जिसके अंदर कंसेप्ट हमने क्लियर किया था। सेकंड के अंदर पॉसिबिलिटी का केस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था और आज हम ओनली ए फ्यू वाला केस डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जो प्रीवियस सिलोजियम की क्लासेस है उनको चेक कर सकते हो अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो। ओके, अगर आप लोगों को सिलोजियम ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही मेरे लिए न्यू टॉपिक है, इन दैट केस माइक्रो कोर्सेज में सिलोजियम बेटा बिल्कुल 0 लेवल से आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके अंदर सारे बेसिक कंसेप्ट से लेके आपको हाई लेवल तक सारा समझाया जाएगा, तो आप माइक्रो कोर्सेज में जाके सिलोजियम भी ले सकते हो। ओके, तो एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं क्या है। अगर मान लो आपके पास में सम का कुछ स्टेटमेंट है, जैसे मान लो मैं कहती हूँ सम ए आर बी, तो हम वेन डायग्राम कैसे करेंगे। सम मींस कुछ हिस्सा, दैट मींस दिस पार्ट इज कॉमन इन बोथ दीज टू। ओके, अगर आपके पास में आ जाता है ऑल, ऑल ए आर बी, उस केस के अंदर हमें क्या पता चल रहा है, ऑल ए दैट मींस कि जो फर्स्ट वाला वेरिएबल है वो पूरे का पूरा क्या है, बी के अंदर है। दैट मींस कि हमारे पास में जो ए का सर्कल है दैट विल बी इनसाइड बी। ओके, अगर आपके पास में आ जाता है नो ए इज बी, नो ए इज बी, इज बी भी हो सकता है बेटा, आर बी भी हो सकता है। ओके, इन दैट केस क्या करना है आपने, दोनों सर्कल्स को दूर दूर ड्रॉ करना है और बीच में क्या कर देंगे हम, क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे हम, क्रॉस कर देंगे। ओके, डन। क्रॉस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाँ जी कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ सम। ओके, कि कुछ पार्ट यहाँ पे कॉमन हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, अब जब आपके पास में इस तरह का कुछ दिखाई दे तो उस केस में आपने क्या करना है, कंक्लूजन में भी अगर कुछ पार्ट कॉमन दिखाई दे रहा है, इन दैट केस सम का कंक्लूजन ट्रू रहेगा, सारे का सारा पार्ट आपका एक का दूसरे के अंदर है, दैट मीन्स कि आल का ट्रू रहेगा। ओके, अगर मान लो बेटा अपने एग्जाम के अंदर आ रही है पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी या कैन बी, तो उस केस के अंदर अगर आपको एग्जैक्टली शो नहीं हो रहा या हम किसी भी पर्टिकुलर कंक्लूजन के बारे में हम कहते हैं कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इन दैट केस हम पॉसिबिलिटी को ट्रू करेंगे।
ओके अभी क्वेश्चन से ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। देखिए बेसिक में बेटा मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा रही बिकॉज मैं ऑलरेडी आप लोगों को पूरा एक क्लास बेसिक पे दे चुकी हूँ, ओके तो आप उसको चेक कर सकते हो, डन। तो अभी आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन? सम कैट्स आर अलमीरा, सम कैट्स आर अलमीरा। अब यहां पे कह रहा है कुछ कैट अलमीरा है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे? दीज आर कैट्स, ओके, और कुछ पार्ट अलमीरा, दैट मीन्स कि दिस इज अलमीरा, डन। अब उसके बाद में क्या कह रहा है? सम अलमीरा आर चेयर। अब इसके अंदर भी क्या कह रहा है? डन। उसके बाद में क्या कह रहा है? ऑल चेयर आर टेबल, ऑल चेयर आर टेबल, दैट मींस कि जो चेयर का सर्कल है उसके बाहर में आपका टेबल का सर्कल बनेगा, चेयर इन इन सर्कल हो जाएगा टेबल के, ओके। अब देखिए आते हैं हम कंक्लूजन की तरफ। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? सर्टेनली, सर्टेनली, डेफिनेटली, इस तरह से अगर कोई भी वर्ड आता है दैट मींस कि जो यहाँ पे आपका कंक्लूजन है वो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। अगर वो आपको दिख रहा है आपके वैनेट के डायग्राम के अंदर तो आप उसको ट्रू करोगे, अगर नहीं तो उस केस में हम क्या कहेंगे? कांट से, और हम क्या कर देंगे? उसको रोंग कर देंगे, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सर्टेनली सम अलमीरा आर टेबल। अब अलमीरा और टेबल के अंदर देखो क्या कुछ पार्ट हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हो अलमीरा और टेबल के अंदर ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये दोनों में कॉमन है, कॉमन है, दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे? दिस इज ट्रू, ओके। उसके बाद है सम कैट्स मे नॉट बी चेयर, सम कैट मे नॉट बी चेयर। अब देखो कैट और हम चेयर देखते हैं, दिस इज कैट, दिस इज चेयर, ये कैट का सर्कल हमारा यहाँ पे है, चेयर का सर्कल हमारे पास में यहाँ पे है, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कैट और चेयर के अंदर कॉमन है, ठीक है, ना ही कुछ हमारे पास में ऐसे नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है कि भाई दोनों के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन है, दैट मींस कि दोनों दूर दूर है। जब भी इस तरह की कंसीड कंडीशन आती है कि दो आपके पास में जो वेरिएबल है वो दूर दूर है, उस केस में आ जाती है बेटा पॉसिबिलिटी, दैट मींस कि वी कांट से सम चेयर इज टेबल, वी कांट से नो चेयर इज टेबल, हम कुछ नहीं कह सकते, ओके okay? तो उस केस के अंदर क्या होगी आपकी पॉसिबिलिटी? ट्रू होगी। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है आपको? हाँ जी, यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम कैट मे नॉट बी चेयर, कुछ कैट चेयर नहीं हो सकती। अब हम कहेंगे भी दोनों दूर दूर है, हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं हो सकती, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, क्या आएगा माइंड में? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। तो उस केस में क्या रहेगा? ये भी ट्रू हो जाएगा, क्लियर। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे आपके पास? बोथ कंक्लूजन वन एंड कंक्लूजन टू फॉलो, दोनों कंक्लूजन यहाँ पे फॉलो करेंगे, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन सीसेट 2021 का क्वेश्चन है। पहले सीसेट के तीनों क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी जो 2021 में आए हुए थे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके अंदर 20 तक के सारे क्वेश्चंस, 20 का 2015 से, हाँ जी 15 से लेके आपके 2021 तक के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया क्वांट्रोलॉजिकल रीजनिंग के, तो आप वहां से चेक भी कर सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में जाके। वीडियो लेक्चर्स में जाओगे ना तो वहां पे आपको मिल जाएगा प्रीवियस ईयर, ओके। तो वहां पे सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए। अब यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। सम रेडियोज आर मोबाइल, सम रेडियोज आर मोबाइल, कुछ पार्ट कॉमन कर दिया हमने दोनों के अंदर। उसके बाद क्या करें? ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर, ऑल मोबाइल्स आर कंप्यूटर्स, मोबाइल का जो सर्कल है वो अंदर है किसकी? कंप्यूटर के। सम कंप्यूटर्स आर वॉचेस, दिस इज द कंप्यूटर एंड सम कंप्यूटर आर वॉचेस। एक बात और ध्यान रखें, जब आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो उस टाइम पे हम फैक्ट का वेन डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपके पास जो गिवन है आपने सिर्फ उसी को ही ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे सम कंप्यूटर आर वॉचेस तो आप इसको इस तरह से कुछ ड्रॉ कर दो, हाँ जी। सिर्फ इन दोनों का रिलेशन गिवन है, इसके साथ में जब रिलेशन गिवन नहीं है तो हमने नहीं ड्रॉ करना, ओके। बट हाँ, जब आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी है इन दैट केस आप उसको ड्रॉ कर सकते हो, दैट इज ए पॉसिबिलिटी। बट जो हम डायग्राम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं दैट इज फैक्ट डायग्राम, उसके अंदर सिर्फ फैक्ट जो जो गिवन है उन्हीं के बारे में है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सर्टेनली, सर्टेनली सम रेडियोज आर वॉचेस, कुछ रेडियो वॉचेस हैं। अब ये बेटा रेडियो है, ये वॉचेस है, रेडियो और वॉचेस,
अगर हम देखें तो दोनों दूर दूर हैं, वी कांट से, है ना। यहाँ पे मुझे डायरेक्टली दिखाई दे रहा, उसने कहा सर्टेनली, सर्टेनली कहा है बेटा, ठीक है। अगर यहाँ पे सर्टेनली ना होता तो फिर उस केस के अंदर तो हम क्या कह देते, हो सकता है पॉसिबिलिटी, बट नहीं, उसने सर्टेनली कहा है तो हम क्या कहेंगे कि नहीं। उसके बाद कह रहा है सम मोबाइल्स आर वॉचेस, अब ये मोबाइल है और ये वॉचेस है। अगेन यहाँ पे आप देख रहे हो कि मोबाइल और वॉचेस के बीच में, ये मोबाइल है बेटा और ये वॉचेस है, यहाँ पे मुझे कुछ भी पार्ट कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। दैट मीन्स कि सर्टेनली के केस के अंदर आप उसको ट्रू नहीं कह सकते। अगर सर्टेनली है दैट मीन्स कि वी ट्रू, वी कांट से दिस इज ट्रू, ओके, दिस कैन बी पॉसिबिलिटी बट नॉट ट्रू। तो ये भी क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया, ओके। दैट मीन्स कि दोनों के दोनों रॉन्ग है, क्या आएगा आपके पास में, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलोज, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलोज। क्लियर है, सर्टेनिटी में, सर्टेनली में तो कोई कंफ्यूजन नहीं आ रही किसी को भी। जब भी बात हो रही है सर्टेनली की, तो उस केस में देखो कि जो मैंने फैक्ट का मेरा वेन डायग्राम ड्रॉ किया है वहां पे मुझे कुछ मिल रहा है सेम जो उससे मुझसे कंक्लूजन के अंदर पूछा गया, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ये काफी स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजिंग था, ठीक है। अब इसको मैं अच्छे से डिस्कस करती हूँ, देखो अभी आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। क्या है, सम ग्रीन्स आर ब्लू, सम ग्रीन्स आर ब्लू, ओके, एंड सम ब्लूज आर ब्लैक। ब्लू है तो बेटा एल लिख लेते हैं, ब्लू आर ब्लैक, ब्लैक के लिए बी के लिख देती हूँ, ओके, सम ब्लूज आर ब्लैक, डन। अब उसके बाद में कंक्लूजन क्या है, देखो कह रहे सम ग्रीन्स आर ब्लैक, दिस इज ग्रीन, दिस इज ब्लैक, दोनों दूर दूर हैं, दोनों दूर दूर है, दैट मीन्स फैक्ट के अंदर क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। उसके बाद नो ग्रीन इज ब्लैक, अब यहाँ पे भी अगेन दोनों दूर दूर है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि दोनों में क्या कहेगा कि नो का जो है नो ग्रीन इज ब्लैक, तो मुझे लगेगा कि ट्रू है, बट नहीं है, बिकॉज दोनों के बीच में हमारी स्टेटमेंट में कोई भी रिलेशन नहीं प्रोवाइड किया गया, ठीक है। तो जब आपके पास दोनों वेरिएबल दूर दूर है, दैट मीन्स कि वी कांट से अबाउट दिस, ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको भी रॉन्ग करेंगे, क्लियर। अब देखो जब भी हमारे पास में इस तरह के कंक्लूजन आते हैं, क्या कि आपके पास में दो वेरिएबल्स दूर दूर है, दो वेरिएबल्स का जो हमारा सर्कल है वो दूर दूर है, और उस केस के अंदर क्या हो रहा है, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, दैट मीन्स कि एक के अंदर क्या आ रहा है मेरे पास में, सम आ रहा है, ठीक है, और दूसरे के अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, नो आ रहा है, क्लियर। तो उस केस के अंदर बेटा क्या होता है कि दोनों वेरिएबल सेम है, कंडीशन बता रही हूं आपको कि किन कंडीशन पे होता है। अगर मैं कहती हूं कि भाई दोनों वेरिएबल सेम है, बोथ वेरिएबल्स आर सेम, ओके, सेकंड क्या है, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड कंक्लूजन इज नेगेटिव, सम नो, सम नो आल सम नोट, बेटा ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बनते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बना रहे हैं, और अगर मैं सिंगल सिंगल को चेक करूं, अगर मैं सिंगल सिंगल को चेक करूं तो इंडिविजुअली दोनों क्या आ रही है हमारे पास में, रोंग आ रही है, दोनों क्या आ रही है हमारे पास, रोंग आ रही है। तो जब भी आपके पास में इस तरह की कंडीशन आती है तो उस केस में बेटा इधर और का केस बनता है। तो अगर आपकी ऑप्शंस के अंदर क्या आ रहा है, इधर इधर कंक्लूजन वन और टू फॉलोज, तो हम क्या कहेंगे, इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, उस वाली ऑप्शन को आप करेक्ट करोगे। बट यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास में इस तरह की ऑप्शन गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, गिवन नहीं है, दैट मींस कि फिर हम क्या करेंगे कि जो ये आपके पास में इंडिविजुअली रोंग है तो उन रोंग को कंसीडर करके चलेंगे कि भाई फर्स्ट भी रोंग है, सेकेंड भी रोंग है, क्लियर। अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इधर और का केस बन रहा है या निधर नोर का बनेगा या क्या है।
आपके अगर ऑप्शन के अंदर बेटा इधर और होता तो उस केस में हम इधर और को करेक्ट कर देते, बट यहाँ पे आपके पास में ये पता चल गया ना इधर और का केस बनता किस केस में, ठीक है ना। हाँ जी, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन सिलोजियम। तो अब उसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास है नहीं, सिंगल सिंगल हमारे पास में रोंग है। अब अगला है ऑल ग्रीन्स आर ब्लैक। अब ये ग्रीन है और ये ब्लैक है, इसमें सम का केस तो बन रहा है बट ऑल नहीं कह सकते हम, ओके। दैट मीन्स दिस इज अगेन रोंग। ऑल ब्लैक इज ग्रीन, ऑल ब्लैक इज ग्रीन, तो उसके अंदर भी हम नहीं कह सकते। तो एक तरह से देखते हैं तो हमारे पास में चारों के चारों गलत है, तो अपने पास में क्या आएगा, नीदर कंक्लूजन वन नोर टू नोर थ्री नोर फोर हो, उसकी चारों में से कोई भी नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो आपके पास ऑप्शन है वो सिंगल सिंगल को माइंड में रखते हुए डाली हुई है, तो जो भी आपके पास में ऑप्शन है उसको थोड़ा सा माइंड में रखना है। हाँ, अगर यहाँ पे इधर और का केस बनता, अगर आपके पास में एक ऑप्शन होती क्या कि इधर फर्स्ट और सेकेंड ट्रू, तो उस केस में आप उसको करेक्ट करके आते, ओके। आई होप सभी को क्लियर है, डाउट क्लियर हो गया सभी का, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आते हैं हम नो का केस लेके। अब नो के अंदर देखो क्या क्या कह रहा है, नो पार्ट इज कार्ट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर नो का केस बन रहा है तो वैसे तो दोनों दूर दूर होंगे, बट जब यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर लेती हूँ तो यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी बन जाती है मेरे पास। मान लो मुझे ये नहीं पता, ठीक है, ये नहीं पता मेरे पास में लाइन, और मुझे इस तरह से एक वेन डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि पी और सी यहाँ पे पार्ट और कार्ट के अंदर, हाँ जी, पॉसिबिलिटी हो सकती क्या, सम पार्ट इज कार्ट, सम पार्ट इज नॉट कार्ट, नो पार्ट इज कार्ट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ओके। बट अगर मान लो मैं यहाँ पे इस तरह से इसको ड्रॉ कर देती हूँ तो उस केस में क्या बन गया हमारे पास में, हाँ जी, फैक्ट का अगर केस लेंगे तो बेटा उसमें भी नो का बनेगा, बट अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो इसका मतलब क्या है, कन्फर्म है हमारे पास क्या कि नो पार्ट इज कार्ट, नो कार्ट इज पार्ट, दोनों में क्या है हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, क्लियर। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहता, ऑल कार्ट इज बोर्ड, ऑल कार्ट इज बोर्ड, दिस इज कार्ट एंड दिस इज बोर्ड, डन। नेक्स्ट, नो बोर्ड इज गन, नो बोर्ड इज गन, ओके। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंक्लूजन बाद में देखते हैं कि अगर आपके पास में जो आउटर सर्कल है उसके साथ आपके दूसरे वेरिएबल की क्या आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, मींस नो का रिलेशन है, इन दैट केस ऑटोमेटिकली आप क्या कहोगे कि जो उसके इंटरनल वेरिएबल है उसके साथ भी उसका नो का ही रिलेशन होगा। दैट मींस व्हाट, कि हम क्या कहेंगे कि नो बोर्ड इज गन, दैट मींस नो कार्ट इज गन, डन। तो अब आगे आते हैं हम क्वेश्चन के कंक्लूजन की तरफ, कह रहा है सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, दिस इज बोर्ड, ठीक है, एंड दिस इज पार्ट। तो अब देखो सम बोर्ड, जैसे उसने कहा सम बोर्ड, तो इसको पढ़ा करो थोड़ा सा, जो सबसे पहले क्या कह रहा है, सम बोर्ड, सम बोर्ड हम ही कह सकते दिस पार्ट एंड दिस इज नॉट पार्ट, सम बोर्ड इज नॉट पार्ट, करेक्ट है। नो गन इज पार्ट, नो गन इज पार्ट, दिस इज गन, दिस इज पार्ट, दूर दूर है, बीच में ये है, हमें नहीं पता दोनों के बीच में, कोई भी हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं गिवन है, तो हम क्या कहेंगे, कुछ भी नहीं कह सकते, ओके। तो क्या आएगा आपके पास में, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ओके, कोई इसमें डाउट। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ देयर इज ए केस ऑफ ओनली इफ यू, ओनली इफ यू। तो बेटा देखो पहले तो कंसेप्ट को समझ लो, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगर मेरे पास में है फ्यू पोड इज ड्राइव, ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, हम ये कह सकते हैं कि सम पोड इज ड्राइव, ओके। और हम डैन डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, दिस इज पोड एंड दिस इज ड्राइव। अब अगर मेरे पास में कंक्लूजन आता है, क्या कंक्लूजन आता है हमारे पास में, कि ऑल द पोड्स आर ड्राइव इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे पोर्ट ड्राइव हो सकते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यस पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अगर इसी तरह से आ गया ऑल द ड्राइव्स आर पोर्ट इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम कहेंगे हाँ भाई है, क्योंकि जब सम का केस आता है ना बेटा, सम के अंदर आपके पास में पॉसिबिलिटी का जो डायग्राम है
वो आपके पास में ये बनता है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहे हैं, ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है। डैट मीन्स कि दोनों केसेस में आल की पॉसिबिलिटी बनती है, डन। बट अगर आपके पास में यहाँ पे आ जाता है, हाँ जी, इसी के अंदर ही पॉसिबिलिटी का हो गया। दूसरा अपने पास में अगर एक आ रहा है कि हाँ जी सम पोर्ड आर नोट ड्राइव, तो हम क्या कहेंगे, उसको रोंग कहेंगे। अगर आ जाता है कंक्लूजन क्या कि सम पोर्ड आर नोट ड्राइव, ठीक है, आल पोर्ड आर ड्राइव इज पॉसिबिलिटी, ठीक है, आल ड्राइव आर पोर्ड इज पॉसिबिलिटी, ओके। तो उस केस में देखो, पहला क्या, फ्यू पोर्ड इज ड्राइव का मीनिंग क्या है, ये है और ये इसका मैंने डायग्राम बन जाएगा। उस केस के अंदर अगर मेरे पास में आते हैं सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, तो हम क्या कहेंगे, भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। फिर आता है सम आल पोर्ड्स आर ड्राइव इज पॉसिबिलिटी, हम क्या कहेंगे, दिस इज करेक्ट। आल ड्राइव आर पोर्ड इज पॉसिबिलिटी, हम क्या कहेंगे, करेक्ट, ठीक है। अब इसी के अंदर ही थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा, थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ओनली इफ यू, क्या ऐड कर रही हूं मैं, ओनली इफ यू, ध्यान से समझेंगे सभी, क्या है, ओनली इफ यू, बस सिंपल, बस एक बार समझ लो, बहुत इजी है, आप खुद कहोगे कि इतना इजी है ये, हम यूं ही कंफ्यूज हो रखे थे, कुछ नहीं है इसके अंदर। देखो ध्यान से क्या कह रहा है, ओनली इफ यू पोर्ड, जैसे उसने कहा ओनली इफ यू, दैट मीन्स कि हमने ये वाला नहीं कंसिडर करना, ठीक है ना, इसको हमने कंसिडर नहीं करना, इसको हमने माइंड से निकाल देना। इसका मीनिंग क्या है कि कुछ ही, थोड़ा मेरे साथ में देखो, हिंदी में बोलो, क्या कह रहा है, ओनली इफ यू पोर्ड इज ड्राइव, कुछ ही पोर्ड ड्राइव है, बाकी नहीं है, क्या कह रहा है, कुछ ही पोर्ड ड्राइव है, बाकी नहीं है, या हम ऐसे कह सकते, कुछ ही पोर्ड ड्राइव है, कुछ पोर्ड ड्राइव नहीं है, ठीक है। तो इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे बेटा, वो हम कैसे बनाएंगे, उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, कुछ जो पार्ट है वो पोर्ड, कुछ पोर्ड का जो पार्ट है दैट इज नॉट ड्राइव, ठीक है। बस जैसे ही ओनली इफ यू आया, आपने ऐसे ड्रॉ कर लेना, ओके। अब देखो, अब दोबारा से आते हैं कंक्लूजन की तरफ पे। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं कंक्लूजन देखूं, कह रहा कि सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग की बजाय करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कर आल पोर्ड आर ड्राइव इज पॉसिबिलिटी, करेक्ट, सारे के सारे पोर्ड ड्राइव हो सकते हैं, जब ये वाला पार्ट नहीं है तो सारे कैसे हो जाएंगे, पॉसिबिलिटी है नहीं, तो ये रोंग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आल ड्राइव आर पॉसिबिलिटी, इसके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करेक्ट ही रहेगा, ओके। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन, क्वेश्चन पे आते हैं। यस, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि बेटा अभी आया नहीं था ये फ्यू का केस, बट आजकल सभी बाकी के जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर फ्यू वाला केस आ रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके एग्जाम में भी क्या पता आ जाए। तो अगर आ जाए तो हमें नहीं डरना, ना ही रोंग करके आना है, एक छोटा सा ही तो कंसेप्ट है, उसको हम समझ लेते हैं, ओके। तो अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ओनली ए फ्यू पोर्ड इज ड्राइव, तो क्या कहेंगे, ओनली ए फ्यू पोर्ड इज ड्राइव, दैट मीन्स सम इज नॉट, ओके। सम ड्राइव इज बॉन्ड, सम ड्राइव इज बॉन्ड, ऑल बॉन्ड इज फ्लैग, ऑल बॉन्ड इज फ्लैग, डन। अब देखिए कंक्लूजन क्या है, ऑल ड्राइव इज फ्लैग, ऑल ड्राइव इज फ्लैग। अब देखो यहाँ पे आपके पास में ये ड्राइव है, ये फ्लैग है, अगर सम होता है, यस हम यहाँ पे देख रहे हैं दिस पार्ट इज कॉमन बट नॉट ऑल, तो ये क्या हो गया आपके पास में, रोंग हो गया। सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, अब हम यहाँ पे देख ही रहे हैं सम पोर्ड आर नॉट ड्राइव, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट, ओके। तो क्या कहेंगे, ओनली सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो कहाँ पे, ऑप्शन बी के अंदर है, ऑप्शन बी के अंदर है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ऑल शिप इज गैस, ऑल शिप इज गैस, ऑल शिप इज गैस, उसके बाद क्या कह रहा, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट, ओनली ए फ्यू गैस इज हंट।
अब उसने क्या कहा, ओनली इफ यू, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम कहेंगे भाई ये वाला जो पार्ट है ये गैस का हंट नहीं है. नो हंट इज फ्लैश, नो हंट इज फ्लैश. ओके, ड्रॉ हो गया, सभी का सेम बना है. एक ना सभी साथ साथ में ना क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करो, साथ में वीडियो को पॉज करा, फिर एक बार चेक करा कि हाँ जी हमें कितना आ रहा है. ओके, और साथ में बेटा पीडीएफ लगी हुई है, अगर आप ट्रायल पे जाते हो ना तो वहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स मिल ही रहे हैं, तो वहाँ पे उसके साथ में पीडीएफ लगी हुई है. आप ऐसा भी कर सकते हो तो पीडीएफ में सारे के सारे क्वेश्चंस है, तो वहाँ से पहले एक बार सॉल्व कर लो, फिर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको वीडियो के अंदर चेक कर लो. ओके, हाँ जी, तो अब आते हैं सम शिप आर हंट, सम शिप आर हंट. तो अब देखो यहाँ पे शिप का सर्कल ये है, हंट ये है, कुछ भी पार्ट कॉमन दिखाई दे रहे, नहीं दिखाई दे रहा. और यहाँ पे क्या है, अगर ऐसा है दैट मीन्स कि एक तरह से सर्टेनली की सर्टेनिटी की बात हो रही है, तो ये अपने पास में क्या हो गया, आपके पास में बेटा रोंग हो गया. ठीक है, दूसरा कह रहा है नो शिप इज हंट, नो शिप इज हंट, अब ये शिप है और ये हंट है, अगेन दोनों दूर दूर है, तो क्या हो गया हमारे पास में, ये भी रोंग हो गया. ओके, अब यहाँ पे अभी मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो कि 2021 में आया था, वहाँ पे मैंने एक कंसेप्ट बताया था. क्या कंसेप्ट बताया था, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों वेरिएबल्स बेटा शिप हंट सेम है. ठीक है, वन स्टेटमेंट, वन कंक्लूजन इज पॉजिटिव, वन कंक्लूजन इज नेगेटिव. ठीक है, देयर इज ए कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, उस केस के अंदर हम क्या कहेंगे, ईदर और कहेंगे. तो यहाँ पे आपके पास आंसर क्या कहेगा, ईदर वन और टू फॉलोज. क्या आंसर आएगा आपके पास में, ईदर वन और टू फॉलोज. ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट ओनली ए फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल, ओनली ए फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल. जैसे उसने कहा ओनली ए फ्यू, दैट मीन्स ओनली ए फ्यू कॉल्ट इज ड्रिल, सम कॉल्ट इज नॉट ड्रिल. ओके, ऑल कॉल्ट इज पिल, पिन, ऑल कॉल्ट इज पिन, ऑल ड्रिल इज ग्रॉस. ओके, नाउ द कंक्लूजन इज ऑल ड्रिल बींग पिन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे की सारी ड्रिल की पिन होने की पॉसिबिलिटी है. अब जब भी आप बात आती है बेटा पॉसिबिलिटी की, तो उस केस के अंदर अगर थोड़ा मोटा कंफ्यूजन लगे, वैसे तो जैसे यहाँ पे साथ ही दिखाई दे रहा है बेटा कार्ट, और अगर मैं पिन को देखूं दोनों को, तो इसके अंदर आपके पास में ये वाला जो पार्ट है ये कॉमन है, एक तरह से सम का केस बन रहा है, और सम के अंदर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है. अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि सम के अंदर आल की पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो ये आपके पास में ट्रू रहेगा. ठीक है, बट अगर कहीं पर कन्फ्यूजन आती है तो आप ऐसा कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है जो वो कह रहा है पॉसिबिलिटी के अंदर, उस पार्ट को ड्रॉ कर लो इसके अंदर, या आप ऐसा कह सकते हो कि इसको मैं ऐसे बड़ा करके ऐसे कर दूं, तो क्या मेरी कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रही है. देखो कोई स्टेटमेंट वायलेट हो रही है, नहीं हो रही. ओनली इफ यू कॉल्ट इज ड्रिल, ऑल कॉल्ट इज पेन, ऑल ड्रिल इज ग्रो, सारी की सारी स्टेटमेंट्स फॉलो हो रही है, दैट मीन्स कि क्या रहेगा, ट्रू रहेगा. क्लियर है, उसके बाद आगे देखते हैं. Some grows are not cult. Some grows, ये grows है, are not cult. अब देखो बेटा यहाँ पे इसके अंदर not का केस नहीं बनेगा. Not का क्या रहेगा इसके अंदर बेटा, क्या रहेगा आपके पास में, false रहेगा. तो ये रहेगा, हाँ अगर यही यहाँ पे आपके पास में आता some cult is not drill, ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या कहते हैं उसको, true कह देते. बट यहाँ पे उसने क्या कहा, हाँ जी some grows are not cult, चाहे यहाँ पे आ जाता सम ड्रिल आर नोट कार्ड, तो वो भी फॉल्स ही रहता, दोनों फॉल्स जाएंगे. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में ये रोंग हो गया बेटा, क्या आ जाएगा, ओनली फर्स्ट फॉलोस. नेक्स्ट देखिए, नो पिग इज, नो पिग इज काउ, नो पिग इज काउ, नो पिग इज cow. Only a few cow is buffalo. Only a few cow is buffalo. That means कि some are not buffalo. Okay? उसके बाद में क्या कह रहा है?
सम बफेलो इज लायन, सम बफेलो इज लायन, डन। नाउ द कंक्लूजन आर सम काउ इज नॉट लायन, सम काउ इज नॉट लायन। बेटे ये काउ है, यहाँ पे लायन है, कोई भी नो का रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा, दैट मीन्स कि क्या करेंगे इसको, हम कहेंगे कि रॉन्ग है, ठीक है। वैसे भी अगर हमारे पास में पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है तो हमारे पास कंक्लूजन नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमारे पास में ये वाला जो केस है यही नेगेटिव रहेगा और बाकी कोई भी कंक्लूजन नेगेटिव नहीं रहेगा। दूसरा क्या है, ऑल बफेलो बींग पिग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बफेलो बींग पिग इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो बफेलो के अंदर ये वाला जो पार्ट है, दिस इज काउ एंड दिस पार्ट इज नॉट पिग, ये पार्ट तो पिग है ही नहीं, दैट मीन्स कि सारे के सारे बफेलो पिग कैसे हो जाएंगी, नहीं हो सकती, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया। तो क्या कहेंगे अब, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू फॉलो, दोनों में से कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, ओनली ए फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, ओनली ए फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, ओनली ए फ्यू फ्लावर इज फ्रूट, that means some flower are not fruit, no fruit is food, no fruit is food, all food is vegetable, all food is vegetable, okay। now the conclusions are, all fruit being flower is a possibility, all fruit, ye fruit hai, kare kya iski flower hone ki possibility hai। तो मैंने ओनली ए फ्यू में अभी आपको क्या समझाया कि ये वाला जो पार्ट है इसकी तो आल के अंदर पॉसिबिलिटी ट्रू रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पे होता आल फ्लावर आर फ्रूट तो हमारे पास में क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता, बट आल फ्रूट कैन बी फ्लावर, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, दिस विल बी ट्रू, ओके। दूसरा क्या है, नो फ्रूट आर वेजिटेबल, नो फ्रूट आर वेजिटेबल, दिस इज फ्रूट, दिस इज वेजिटेबल। अब अगर यहाँ पे हम बात करते हैं इस पार्ट की, तो ये वाला पार्ट तो फ्रूट का नहीं है, फूड इज, दिस पार्ट इज नॉट फ्रूट, बट वी कांट से एनीथिंग अबाउट दिस पार्ट, इस पार्ट के बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, इस पार्ट के बारे में तो नहीं कह सकते दिस इज फ्रूट और नॉट, ओके। सो स्टूडेंट ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया, सो कंक्लूजन वन विल फॉलो। हाँ जी बताइए, कोई डाउट, क्लियर। सो आई थिंक जो जो भी मैंने आज को आप लोगों को केसेस बताए वो सभी के सभी आपको क्लियर हो गए, फिर भी अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी फिफ्थ जून को एग्ज़ाम दे रहे हैं प्रीलिम्स का, तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूँगी कि बेटा अपने जो जो भी वीक एरियाज है उनको फाइंड आउट करो और उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और सी सेट को इग्नोर नहीं करना बिल्कुल भी। वहाँ पे देखो कि हाँ जी कौन कौन से मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। अब इसके लिए हम आप लोगों को क्या प्रोवाइड करें कि आप माइक्रो कोर्सेज में जाइए। वैसे तो अभी पीडीएफ आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज मॉड्यूल कंप्लीट टेस्ट सीरीज फुल सब्सक्रिप्शन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट अभी टाइम कम है तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को पिक करो, उसके बाद में देखो कि वो पर्टिकुलर टॉपिक्स के अंदर से कौन कौन से टॉपिक आपको आते हैं, उस पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होंगे जिसके अंदर से आपको कुछ डाउट्स आ रहे होंगे, तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो माइक्रो कोर्सेज के थ्रू। अभी पीडीएफ आप लोगों को सिंपल एक सिंगल टॉपिक प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट कि आप सिंगल टॉपिक के थ्रू प्रिपेयर कर सको, ओके। सो स्टूडेंट्स इट वॉज ऑल फॉर टूडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, थैंक यू।